अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल समायरा फूड्स। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ बहुत ही स्पेशल ये रेसिपी है। ये है रोस्ट चिकन, जिसे हम रोज़ की पत्तियाँ और रोज़ वाटर से बनाएंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो उस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। रोस्ट चिकन के लिए मैंने लिया है तकरीबन 250 ग्राम चिकन है, रोज़ वाटर, ये मैंने लिया ब्लैक पेपर पाउडर, शाल टू टेस्ट। पहले हम इसे मैरिनेट करेंगे। इसमें हम ऐड करेंगे शाल्ट, ब्लैक पेपर पाउडर हाफ टी स्पून, टू टी स्पून हम ऐड करेंगे रोज़ वाटर और इसे अच्छी तरह मिक्स करके हम हाफ आवर के लिए फ्रिज में डाल देंगे। ग्रेवी के लिए हमने लिया है 15-20 आलमंड, जिसे मैंने भिंगोकर छिलका छिल दिया है इसका। 2 टेबलस्पून मैंने लिया रोज़ की पत्तियाँ, मार्केट में अवेलेबल है। ये मैंने लिया है 2 टेबलस्पून कर्ड, 1/4 टीस्पून जिंजर एंड गार्लिक पेस्ट, ब्लैक पेपर पाउडर। ये मैंने लिया है फ्रेश क्रीम, आप चाहें तो अमूल क्रीम भी ले सकते हैं। शाल टू टेस्ट, ये मैंने 1 मीडियम अनियन को कट कर लिया है और ड्राई रेड चिली लिया है 3 पीस। एक पैन में हम 1/2 कप वाटर डालकर इसे बॉईल करेंगे और इसे हम ढककर 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे। और इधर हम आलमंड को ग्राइंडर में ग्राइंड कर लिया। ये देखिए हमारा पेस्ट तैयार हो गया है, ये लगभग हमारा गल चुका है। अब हम इसे निकाल कर इसे ठंडा करेंगे। ठंडा करने के बाद हम इसे पेस्ट बना लेंगे। ये देखिए हमारा पेस्ट हो गया तैयार। अब एक पैन में हम बटर डालेंगे, 2 टेबलस्पून बटर, 2 टेबल स्पून बटर। उसके बाद फिर हम इसमें ऐड करेंगे जिंजर एंड गार्लिक पेस्ट, आप चाहें तो घी में ही बना सकते हैं। फिर हम ऐड करेंगे हमारा मैरिनेट किया हुआ चिकन। इसे 2 से 3 मिनट तक चलाएंगे, चिकन का कलर खुद चेंज हो जाएगा। ये देखिए अब हम इसमें ऐड करेंगे जो हमने बॉयल अनियन और मिर्च को जो बॉयल किया था उसे हम ऐड करेंगे और इसे 5 से 6 मिनट तक चलाएंगे। देखिए हमारा भुना चुका है। अब हम इसमें ऐड करेंगे धनिया पाउडर, इससे टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। ब्लैक पेपर पाउडर 1/2 टीस्पून, ये लगभग हमारा भुना चुका है। ये देखिए अब हम इसमें ऐड करेंगे दही और फिर हम इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे। ये हमने ऐड किया दही और इसे थोड़ा पानी देकर चिकन को गलने के लिए छोड़ देंगे 15 से 20 मिनट तक। ये देखिए चिकन हमारा लगभग गल चुका है। अब हम इस पे डालेंगे रोज़ की पत्तियाँ, ये देखिए, और फिर हम इसमें डालेंगे हमने जो फ्रेश क्रीम रखा है और फ्लेम को ऑफ कर देंगे। ये देखिए बहुत ही देखने में टेस्टी लग रहा है, टेस्ट बहुत ही अच्छा है, आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिए। आप इसे पराठे के साथ सर्व कर सकते हैं।
ये बहुत ही यूनिक डिश है, गेस्ट को बहुत ही पसंद आएगा। रेडी हो गया हमारा रोस्ट चिकन। अगर आपको हमारा रेसिपी पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक